हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमपी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 5 मई 2023। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, डाउनलोडिंग द बीपीडिया, डाउनलोडिंग द पीडीएफ इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपको पढ़ने के साथ साथ रिविजन करना भी इम्पॉर्टेंट है। एंड आप रिविजन तभी कर पाओगे जब आप एक पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, उससे पढ़ोगे और उसी से आप रिवाइज करोगे। So with this note, let me begin the first news of the day. That is, Vistara operates Boeing 787 aircraft using sustainable aviation fuel. देखो, sustainable aviation fuel का मतलब है as simple as कि जो normal aviation fuel है उसमें जितना carbon dioxide का emission होता है उससे कम emission होता है। But that doesn't in any way mean कि emission होता ही नहीं है, because the engines इन दिस एयरप्लेन्स आर मेड टू एमिट CO2, ठीक है? तो इसीलिए इसका नाम सस्टेनेबल पड़ा है रेदर देन ग्रीन एविएशन फ्यूल। तो इस डिफरेंस को आपको समझ में आना चाहिए। आपको याद होगा हमने बहुत महीने पहले एक न्यूज़ पढ़ा था स्पाइस जेट का, जहाँ पे स्पाइस जेट ने ग्रीन फ्यूल यूज़ किया था, मतलब वो एथेनॉल बेस्ड फ्यूल था। तो उसके एमिशन के अगेंस्ट में इसका एमिशन बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उसका एमिशन कंपेयर करोगे विथ नॉर्मल ट्रेडिशनल एमिशन, तो वो नेग्लिजिबल के बराबर है। दैट इज वाई इट वॉज ए ग्रीन फ्यूल। बट ये तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, मतलब हाँ, एक बहुत बड़े लेवल पे एमिशन को कम किया जा सकता है इफ दिस कैन बी कमर्शलाइज। तो विस्टारा जो है टाटा ग्रुप का एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है, राइट, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। हमने कुछ दिन पहले विस्टारा को लेके ये न्यूज़ भी पढ़ा था कि टाटा ग्रुप ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने ये रखा है कि दे वांट टू मर्ज दिस विस्टारा विद एयर इंडिया। अब ये तो उनके अप्रूवल पे डिपेंड करता है, बहुत सारे ऑपरेशनल चैलेंजेस, जब होगा तब हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को लेके बात कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एन इंडियन कैरियर हैज़ ऑपरेटेड ए कमर्शियल डोमेस्टिक फ्लाइट ऑन ए वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट। वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट मतलब ये बोइंग 787 इज ए वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट यूजिंग ए ब्लेंड ऑफ 17% SAF विद 83% कन्वेंशनल फ्यूल जेट। तो देखो, 83% तो कन्वेंशनल फ्यूल ही था, सिर्फ 17% को चेंज किया गया, ठीक है? लेकिन फिर भी मतलब एमिशन तो इस 17% में कुछ तो कम हुआ ना, बात वो है। सो इट्स सस्टेनेबल। आगे चल के इंजन को मॉडिफाई करके ये परसेंटेज को और इंक्रीज किया जा सकता है, बिकॉज अब ये इंजन जो कन्वेंशनल फ्यूल है वही ले सकती है, तो उसी में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं 17% डाल के। तो सोचो अगर इंजन को मॉडिफाई कर दे कंपनी, बिकॉज ये इंजन इन मोस्ट केसेस बोइंग नहीं बनाता, ये इंजन मोस्ट केसेस में इंडिया में जो चल रहा है वो रोल्स रॉयस बनाता है या तो प्रैट एंड विटिनी अमेरिकन कंपनी, राइट? मतलब मेजरली ये दो कंपनीज हैं जो एयरबस एंड बोइंग को अपना इंजन सप्लाई करते हैं, राइट? एंड देर आर फ्यू मोर कंपनीज एज वेल, बॉम्बार्डियर भी है इसमें, राइट? तो कुछ और कंपनीज भी है। तो अगर आगे चल के इंजन मॉडिफिकेशन हो गया, देन दिस कैन बी यूज्ड ऑन ए मच लार्जर स्केल। लेकिन अभी के लिए न्यूज़ आपको याद रखना है कि विस्टारा देश का पहला ऐसा कमर्शियल एयरक्राफ्ट कमर्शियल एयरलाइन बना है जो एक डोमेस्टिक प्लेन को फ्लाई किया है इन दी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जहां पे ब्लेंड था। ब्लेंड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, 17% 83% विल नॉट बी आस्क्ड, बट हाँ, ये आपको तो करना होगा। तो 10,000 pounds ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को उन्होंने कम किया विथ वन जस्ट फ्लाइट। तो आप सोचो एक फ्लाइट के पीछे कितना कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ 17% यूज करने पे अगर 10,000 pounds कम होता है, तो अगर देश में जितने भी प्लेन चल रहे हैं उनमें ये 17% का ब्लेंड डाल दिया जाए तो कितने कम हो जाएंगे। एंड आगे जाके अगर इंजन मॉडिफाई हो जाए तो कितना कम हो जाएगा, राइट? यू विल हैव टू थिंक इन सच ए वे, बिकॉज सी एट वन पॉइंट यू विल हैव टू राइट डिस्क्रिप्टिव, एट वन पॉइंट यू विल हैव टू टॉक टू एन इंटरव्यूअर, तब तुम्हें भी समझना चाहिए कि इकोनॉमी में क्या करने से क्या होता है। तो ऐसे जो न्यूज़ है ना, ये आपको बहुत मदद करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। देखो, ये जो न्यूज़ है ना, आई वुड से इट इज़ रिलेटेड टू ABS एनवायरमेंटल, ठीक है? ऑल्दो ये न्यूज़ एक प्राइवेट कंपनी रिलेटेड है, लेकिन आप इसे टैग करो एनवायरमेंटल पे। एनवायरमेंटल का कोई भी न्यूज़ आज के दिन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर मैं बताऊँ COP26, जहाँ पे देश के सामने एक बड़ा बड़ा टारगेट रखा गया था, बाई 2030 वी विल अचीव 50% रिडक्शन, बाई 2070 वी विल बी नेट जीरो। ये सारा काम कैसे होगा? ये सारा काम तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स से होगा, सो वी विल हैव टू नो दिस स्मॉल स्मॉल स्टेप्स एज वेल, राइट? चलो,
With this, let's move to the next news, that is money transfer RBI mandates complete info about originator. देखो एक तरीके का ट्रांसफर होता है वायर ट्रांसफर, राइट। तो इस वायर ट्रांसफर में आरबीआई ने क्या बोल दिया है, आरबीआई ने ये बोला है कि अब बैंकों को ऑरिजिनेटर एंड बेनिफिशियरीज दोनों का इंफॉर्मेशन अपडेट करना होगा। तो उन्होंने क्या किया है, जो नो योर कस्टमर का मास्टर डायरेक्शन है उसी को मॉडिफाई कर दिया है। एंड व्हाई दिस हैज बीन टेकन, दिस हैज बीन टेकन बिकॉज ऑफ एफएटीएफ, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एफएटीएफ। क्योंकि बड़ा सिंपल सा मामला है, मान के चलो आई एम एन इंडिविजुअल इन इंडिया, अब मुझे दुबई से कहीं से पैसा आ रहा है, लेकिन मुझे जहां से पैसा आ रहा है बैंक को पता ही नहीं कि कौन भेज रहा है पैसा, ऑरिजिनेटर का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है ना कि वो पैसा गलत चीजों के लिए मैं मंगवा रहा हूँ, दिस कैन हैपन, राइट। एंड ये होता भी है इकोनॉमी में, राइट। इसीलिए एफएटीएफ, अब उस पैसे से टेररिज्म फंडिंग हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, करेक्ट। तो इसीलिए एफएटीएफ, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उन्होंने सारे सेंट्रल बैंक को ये आदेश दिया था कि आप अपने अपने देश में ये सारा काम करो, तो ऑरिजिनेटर एंड बेनिफिशियरीज को ये काम दिया जा रहा है। मतलब बैंकों को ये बताया गया कि आप जो भी ट्रांसफर करते हो, नो योर कस्टमर्स के दायरे को मैं बढ़ा दे रहा हूँ, और ऑरिजिनेटर और बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन तो चाहिए हर ट्रांसफर के पीछे, चाहिए डोमेस्टिक ट्रांसफर हो, चाहिए क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल ट्रांसफर हो, सारे केस के लिए ये एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन को ही बदल दिया है केवाईसी का। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है आरबीआई लॉन्चेस G20 टेलीस्प्रिंट कॉम्पिटिशन टू इम्प्रूव क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। ठीक है, ये बहुत बड़ा न्यूज है, G20 टेक स्प्रिंट, राइट। ये नाम आपको याद करना होगा, टेक स्प्रिंट कॉम्पिटिशन। ये होगा क्या, ये एक्चुअली कॉम्पिटिशन है, दिस विल इनवाइट ग्लोबल इनोवेटर्स टू हेल्प डेवलप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सोल्यूशन फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। आप देखो सिंपल सी बात, आपको हैकाथॉन याद होगा, हैकाथॉन इंडिया में क्या होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया जाता है, उसके बाद इनोवेटर्स आके उस स्टेटमेंट पे काम करके एक नया टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्लेटफॉर्म वो बनाते हैं, राइट। तो अभी जो आरबीआई है, ये G20 टेक स्प्रिंट कॉम्पिटिशन लॉन्च किया है, इससे क्या होगा, जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है उसके इम्प्रोवाइजेशन के लिए ये कंपटीशन बनाया गया है। ऑब्वियसली जो लोग आएंगे पार्टिसिपेट करने, उन्हें क्या दिया जाएगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा, एंड बेस्ड ऑन दैट स्टेटमेंट दे आर गोइंग टू वर्क। सो G20 इंडिया के प्रेसिडेंसी में ये काम हो रहा है। देखो इंडिया ने अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा काम ही किया है व्हेन इट कम्स टू यूपीआई, राइट। मतलब दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है, नॉट इवन डेवलप्ड नेशन, चाइना में है, बट चाइना में इस प्रकार वो नहीं है। चाइना इज ओनली लिमिटेड टू मर्चेंट बेस्ड पेमेंट, जैसा हम एक शॉप में जाते हैं क्यूआर कोड में पे करते हैं, चाइना वहां तक सीमित है। लेकिन मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफर आज इतना आसान हो गया है विद द हेल्प ऑफ यूपीआई, इतना आसान तो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो G20 प्रेसिडेंसी क्योंकि इंडिया के पास है, तो इंडिया के पास अब ये ऑप्शन ये है कि कुछ ऐसा इनोवेट पूरे दुनिया के लिए कर पाए, एंड दैट इज वॉट आरबीआई हैज टेकन दिस स्टेप एंड इज डूइंग। सो आरबीआई एंड जो आरबीआई का इनोवेशन हब है, वो दोनों मिलके बैंक ऑफ फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट हैव जॉइंटली लॉन्च द फोर्थ एडिशन ऑफ G20 टेक स्प्रिंट। ठीक है, क्या कर दिए, G20 टेक स्प्रिंट लॉन्च कर दिए। फर्स्ट फोकस वुड बी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड सैंक्शंस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन टू रिड्यूस इलिक्ट फाइनेंस रिस्क। अगर सैंक्शंस है उस कंट्री में तो ट्रांसफर नहीं होगा, राइट। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, इससे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर हो, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, उसके बाद वो जहाँ ट्रांसफर होना है वहाँ पे आए, तो इससे क्या होगा, बीच में बहुत सारे गैप्स क्रिएट होंगे। तो मतलब जो ऑरिजिनेटर था और जो रिसीवर था, इसके बीच में 50-60 ट्रांजेक्शन होके आया है, तो ये कभी पकड़ ही नहीं पाएगा कि ट्रांजेक्शन एक्चुअली में इन दोनों के बीच में हुआ है। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का भी ख्याल इसमें रखा जाएगा, राइट। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, ये तो फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया, सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, वुड कवर फॉरेन एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी टेक्नोलॉजी सोल्यूशन टू एनेबल सेटलमेंट इन द इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक करेंसीज। जो सेटलमेंट होगा, मैं इंडिया से यूएस ट्रांसफर करूंगा रुपीस में, लेकिन आगे वाला जो रिसीवर है वो रुपीस लेके क्या ही कर लेगा, उसको तो यूएस डॉलर में चाहिए। तो ये सारा चीज भी, जो फॉरेन एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी टेक्नोलॉजी है, इसका भी ध्यान रखा जाएगा इसमें, राइट। फाइनली कम अप विद टेक्नोलॉजी सोल्यूशन फॉर मल्टीलेटरल क्रॉस बॉर्डर CBDC प्लेटफॉर्म्स। ये जो पैसा ट्रांसफर होगा ये CBDC लेवल पे होगा, मतलब सेंट्रल बैंक लेवल पे होगा, तो बहुत सारा चीज आसान हो जाएगा, राइट। तो ये था G20 टेक स्प्रिंट, आपको ये दोनों एस्पेक्ट को याद करना होगा, बिकॉज यू मे बी एक्सेप्ट एनी पॉइंट इन द एग्जामिनेशन।
बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है इंडियाज कंजम्पशन इज एक्सपेक्टेड टू बिकम 50% कैशलेस बाई 26। देखो फाइनेंशियल ईयर 24 मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक जो पीरियड है, उस पीरियड में ऐसा रिपोर्ट बोला जा रहा है कि कंजम्पशन विड बी 50% कैशलेस। जो भी इंडिया कंज्यूम करेगा वो 50% कैशलेस होगा, मतलब डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के थ्रू होगा। आज के दिन में डिजिटल पेनिट्रेशन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप देख पा रहे हो मंथ ऑन मंथ यूपीआई ट्रांजेक्शन जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ टोटल अमाउंट ट्रांजेक्टेड वो भी बढ़ रहा है। तो ये जो रिपोर्ट किसने दिया, बैन एंड कंपनी ने दिया, फ्यूचर ऑफ इंडिया रिटेल पेमेंट, इनका एक रिपोर्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब, बट आप कोट कर सकते हो, अगर आपको ये नाम याद है ना तो आप कोट कर सकते हो कि ऐसा इन्होंने कहा है। चलो बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ भोगापुरम इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ठीक है, इसको जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है श्री जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले कर दिया है 3 मई 2023 को। ये टोटल 3 फेज में होगा। पहला फेज होगा 6 मिलियन पैसेंजर पर एनम हैंडल करने के लिए बनेगा। सेकेंड फेज कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाएगा, मतलब एक नया टर्मिनल बनाते हैं, सिंपल एज दैट। ठीक है, 12 मिलियन पैसेंजर, और जो थर्ड फेज है 18 मिलियन पे चला जाएगा, राइट। कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा 5,000 स्क्वायर मीटर में। तो ये सारा चीज आपको ध्यान देना होगा। और 3,800 मीटर का एक रनवे बनाया जाएगा जो कैट 1 एनेबल्ड होगा, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कैट 1। तो ये कहाँ पे है, आपको कई बार स्टेट भी पूछा जा सकता है, स्टेट है आंध्र प्रदेश की भोगापुरम इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का मतलब जो स्क्रैच से बन रहा है, राइट। ग्रीन फील्ड वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे जो भी बनाया जाएगा स्क्रैच से बनाया जाएगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है सोशल सेक्टर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट बीइंग ऑनबोर्डेड ऑन पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ठीक है, तो पीएम गतिशक्ति जो नेशनल मास्टर प्लान है, इसमें सोशल सेक्टर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स भी ऑनबोर्ड हो गए हैं। टोटल ऐसे नंबर्स कितने हैं, 14। ये 14 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हो, इन्हें आप एक दो बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। और इसमें 61 डेटा लेयर्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी मिनिस्ट्रीज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, प्राइमरी स्कूल, कॉलेज, हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ, पब्लिक टॉयलेट, डंप साइट, आंगनवाड़ी सेंटर, फेयर प्राइस शॉप, अमृत सरोवर, डेयरी लोकेशन, ये सारा चीज इसमें आ गया है। क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान में रहेगा, उतना ही बेटर डिलीवर कर पाएगा पीएम गतिशक्ति। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था ना, पीएम गतिशक्ति की वजह से कितना इंपॉर्टेंट जो काम है वो हुआ है। विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज बिज एम्प। बिज एम्प का मतलब क्या है, एम्पलीफाइंग बिजनेस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, राइट। तो ये है फुल फॉर्म, आपको याद करना होगा। ये श्री फंड आउटरीच प्रोग्राम, ये कहाँ, दीमापुर नागालैंड में हुआ है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा, राइट। ये आपको ध्यान में देना होगा, बस इसमें इतना ही न्यूज है, ये छोटा सा, कि एमएसएमई मिनिस्ट्री ऐसा एक काम किया है। क्योंकि आपको ऐसा पूछ सकता है कि बिज एम्प का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद करना होगा बिज एम्प कहाँ पे हेल्ड हुआ है, दिमापुर नागालैंड में, या कौन से मिनिस्ट्री का आउटरीच प्रोग्राम है ये, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। विद दिस वी आर डन फॉर द डे, लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग वंस अगेन, टिल देन अनफोल्ड योर पोटेंशियल, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग, एंड ऑलवेज रिमेंबर आईएक्सएमबी हेल्प्स यू प्रिपेयर 50% फास्टर।